फिट गया साला किनार लैंडस्लाइड मेरे ऊपर ही होनी आज। सो गाइस बढ़िया ब्रेकफास्ट लग चुका है, ये मुझे भी डाल दे छोटे। ओके शिक्षिका दे दे शिक्षिका। सो गाइस कल रात को हमारी वीडियोस अपलोड नहीं हुई है, अब 100 फाइल्स करके कराउंड थी वो वापस डालनी पड़ेंगी। बढ़िया बुफे ला चुके हैं, हमारा छोटा भाई भी आ चुका है। छोटे तुम्हें आना है व्लॉग में कि नहीं? छोटे यार आर यू स्कैन मेन्यू बबलू? कैसे खाना जल्दी बताओ। नहीं अच्छा चल छोटा कह रहा है कि सॉसेज अच्छे नहीं है, ऐसा लग रहा है उन्होंने खुद बनाया सॉसेज। अच्छा होना चाहिए होम मेड सॉसेज। एनी फिर गाइस हम जल्दी से ब्लॉग अपलोड करते हैं। हमने वहाँ पे वो देखो बोली टेबल बनवा ली अपने लिए, बढ़िया वहाँ से बढ़िया फटे जाएगी। आज हम चलाएंगे छोटे की गाड़ी। छोटे अपनी गाड़ी चलाने देगा मुझे? वैसे छोटा किसी को गाड़ी चलाने देता नहीं, मैं उसका छोटा भाई इसलिए मैं चलाने देगा। नहीं छोटे पेटे चलो हम खाते नीडल्स एंड सम बेक बीन्स पटेटोज। सो गाइस जब हमें बढ़िया टेबल मिल चुका है, यहाँ पे मस्त लाइटिंग आ रही है, तो मैं देख के बता सकते हो कितनी अच्छी लाइटिंग आ रही है। नींद से मैं उठा नहीं हूँ अभी, वैसे लग रहा है नींद में है। छोटे आई यू इन नींद? नहीं बढ़िया सोया आज मेरा भाई? देखा तेरा छोटा भाई अगर तो बढ़िया सोया। ओके ये तो पाइनएप्पल ना, आई डोंट लाइक पाइनएप्पल, मीठा होता ना। मैं थोड़ा डाइटिंग पे हूँ। शट अप। ओए लास्ट टाइम बबलू कहता है इसको पीना है, लगा रोज़ वाटर दिया। छोटे ट्राई करके देख पीने के लिए रोज वाटर। केलॉग्स चॉकलेट्स भी खाएगा तू? नेक्स्ट मंथ। सो गाइस हमारा बढ़िया डोसा भी आ चुका है, छोटे का आ चुका है बढ़िया छोले भटूरे, चटनी ऐसे दी हुई है उन्होंने बढ़िया तरीके से। नाइस वॉन्स छोटे खाएगा वन फ्राइज एंड ड्रेसेस, ठंडा हो जाएगा नहीं तो ठंडा। लेटल मैन ओके पटेट्स पटेट्स बट नो नाइस वॉन्स। ये देखो गाइस छोटे ने अपनी क्रीम छोड़ दी, फिर चिल्लाता साला बबलू। चलो गाइस हम निकलते हैं यहाँ से, अब चलिए सीधे जाएंगे मनाली। बबलू गुड टू यू। ये देखो बियर हमने बचा लिया कल की, ये छोटे की गाड़ी में से निकली थी मेरी नहीं है। सो गाइस हम निकल चुके हैं तुम्हारे भाई की पहली ट्रिप बबलू की गाड़ी में, क्वाइट फैब्रिक। अभी हमने एक चीज नोटिस की कि यहाँ पे एक ही सॉकेट है, तभी तो कह रहा था कि भाई अभी मैं अपने साथ मत करियो गाने सुनने जाएंगे, क्योंकि मेरे उसमें दो हैं, एक है चार्जिंग पोर्ट एक है वो पोर्ट क्वाइट फैब्रिक है। गाइस मुझे बढ़िया बढ़िया ईमेल आते हैं, एक का ईमेल आया है जसप्रीत सिंह बिंडा, मिसेस सूद सूत्रों के अनुसार पता लगा है कि आप शिमला में हैं, शिमला में पापड़ी का स्टाइल पार्टी करने के लिए संपर्क करें नंबर टॉप बोलो क्या है मैंने। सो गाइस छोटा कह रहा है कि हम वहां जाएंगे स्विमिंग करने, छोटे की जगह डोंट मेंशन दिस बट व्हाई डोंट डू दिस बट व्हाई। अरे क्यों सबको पता नहीं ना, मेरे को नहीं बताना, सारे पहुंचे होंगे उधर। चल हम बता नहीं रहे जगह, बट एक सीक्रेट जगह है छोटे की, सीक्रेट जगह तो वहां पे सिर्फ छोटे को परमिशन है। अब वो इतना अच्छा हो रहा है कि मुझे भी ले जाएगा पापा, थैंक्स मम्मी मुझे ले जाने के लिए। तो हम वहाँ पे जाके बढ़िया करेंगे, हम बियर लेके जा सकते हैं तुम? बढ़िया बियर लेके जाएंगे, बढ़िया पार्टी करेंगे। यहाँ से ज्यादा राइट पता है मेरे को क्या मैंने को मत सिखाओ। सो गाइस आज हम एक्सप्लोर करेंगे शिमला से मनाली का रास्ता कैसा है, क्योंकि वो दिल्ली वाला तो बहुत ही खच्चड़ है, वहाँ पे इतना ट्रक होते हैं ट्रक पे ट्रक बंदे और बंदे। वैसी मंडी निकल रहा है ऑट वाला एरिया, वो वैसी गंदा है। ये वाला गंदा है? ये तो अच्छा है मंडी की बात करें ना, मंडी तक तो अच्छा है। सो गाइस छोटे ने बढ़िया एक चीज लगवा रखी है प्रोटेक्शन के लिए। अरे जैसे देख जैसे हम लोग पूजा करते हैं तो मैंने दादू से पूजा करा ली थी यहाँ पे स्वास्थ्य का, और आगे वो बनता था ना है ना, तो ये जैसे ये इसको खाता बोलते हैं ठीक है, इसके अंदर ये ना यहाँ पे एक चीज है जो वो बार्ले के सीड्स होते हैं वो जो लामा होते हैं वो पूजा करके रखते हैं। तो जब कोई नई गाड़ी आती है तो उसमें मतलब स्पीति वगैरह में टिबेटन उसमें कि नई गाड़ी आती है तो वो उसमें लगा के फिर ये प्रोटेक्शन के लिए होता है बेसिकली। और ये होता है कि किसी से गिफ्ट होता है कि अगर कोई वैसे कोई नई गाड़ी लेता है तो ये लोग मतलब आसपास के नेबर्स आके ये लगाते हैं फॉर लाइक एज अ गिफ्ट की ठीक है दिस इज। तो तुमने देखा नहीं स्पीति में यहाँ पे राइट ऐसे लगा होता है राइट साइड पे? बढ़िया यार छोटे मैं भी लगवा लूंगा जाके अभी। गाइस बबलू एक ना डेडिकेटेड वीडियो बना सकता है लोग अब्यूजिंग पीपल व्हाइल ड्राइविंग, पब्लिक बना देना तू ऐसे, बहुत ये रिलेटेबल चीज है। मस्त मस्त गाली देता है तेरी बाप की सड़क है। ये हमने रेमी को भी सिखा दिया था। एनी हो गाइस मैं भी बोल रहा था कि मैं अपने छोटे भाई को बहुत इंस्पायर करता हूँ, इसलिए मैं सब कुछ कॉपी कर लेता हूँ। छोटे भाई को गाड़ी मॉडिफाई करा दी तो हमने कहा हम भी मॉडिफाई करा लें। एक बार तेरे भाई ने अच्छा जुगाड़ तो निकाल लिया ना। गुड डे टू यू पापा बबू।
इसके बाद छोटा मतलब चलो मैंने तो चलो नॉर्मल मोटिवेशन कराई है, मैं ज़्यादा पता भी नहीं था, पर छोटे ने एकदम रिसर्च डाल के मतलब ऐसी कराई है कि तुम इंडिया में ऐसी कोई गाड़ी नहीं होगी। छोटे जो आधी चीजें मेरे को चाहिए वो इलीगल है, है? और क्या अब मेरा भाई भी तो इलीगल है, मैं कहां से इलीगल हूं? इलीगल वेपन्स बाबलू डिस्ट्रॉइंग इट। क्या मैंने ओके बी माय गॉड बट नो बबलू गाइस ये बताओ मेरे को कमेंट करके मैं क्या लिखवाऊं? नहीं कुछ नहीं मत लिखाओ कोई बबलू क्या की तो यार अच्छा लग रहा है मैं जो मैंने तुमने जो ब्राउन वाली रूबिकॉन लिखवा ले रूबिकॉन तो फिर लिख दे फर्स्ट कॉपी रूबिकॉन नहीं ऑफ वाइट थोड़ी है हम फर्स्ट कॉपी रूबिकॉन ऑफ वाइट पता ना हमेशा लिखते हैं कर रहा है मेरे को रिलैक्स ऐसे कट इट कट इट छोटे रॉन्ग में आ रहे हैं गाली मार इनको सालों को बबलू बंद है सड़क ठोक दे सालों को बबलू तो गाइस देखो छोटे की गाड़ी में सिक्स गियर भी है सिक्स गियर लगाने की आदत नहीं है मेरी मारुति में चार होते थे पता है मारुति 800 में अभी बबलू बेचारा हमारा गियर लगाने की आदत नहीं है बबलू यार छोटे मैं इतने गियर लगाता हूं तो मैं तुझे गियर ना दूंगा तो गाइस अभी छोटा भाई हमारा पीछे फंस गया था स्पीति में तो इसने बोनेट बोनेट खोला खुद इसने जैक निकाला था मेरे से तीन बार पूछ चुका है कह रहा तेरे को जैक निकालना आता है पता है कहां पे थार में वहां पीछे ही है कहां पीछे तुझे नहीं पता बबलू बहुत पिटेगा यार पीछे उसको खोल किया उसके अंदर वाह 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 ऐसे नहीं हां तुझे याद नहीं जब स्कॉर्पियो खराब हुई थी तो मैंने कैसे ढूंढा था कि भाई टायर कहां है उसमें टायर नीचे था उसके फिर ऐसे खोल के सब सॉल्व करके निकाला था तो मेरे को मारुति वाले डेज याद आ गए मालगुडी डेज तो मारुति में ना मैं पूरे टाइम उनके साथ बैठ रहा था जो मैकेनिक होते थे मुझे पूरा चीज ठीक करने आती थी और मैं वैसे ही मेरे को गाड़ियों का बहुत शौक था मैंने कहा चल ठीक है पूरी गाड़ी खोल देता हूँ तो मैं पूरा रेडिएटर खोल देता था एयर फिल्टर पूरा निकाल देता था स्पार्क प्लग्स खोल कर देता था रिमोट कंट्रोल बट विच वन मैंने ब्रेक्स भी ब्रेक पैड खुद लगाए हुए आउच सब कुछ मतलब खुराफाती में बिल्कुल था सब कुछ मैंने कहा यार कुछ नहीं हुआ तो चल मैकेनिक ही बन जाऊंगा मैकेनिक ही सीख लेते हैं समझे चटे मेरे दोस्तों में से किसी की गाड़ी खराब होती थी ना वो मुझे फोन करते थे कह रहा भाई यार ऐसे ऐसे हो रहा है मैंने कहा अच्छा ये कर लो क्योंकि डीजल गाड़ी में भी ना बहुत बार कभी कभार स्टार्ट नहीं होती थी उनकी और डीजल गाड़ी में मैं तुम लोगों को बता दूं आगे ना एक पंप होता है अगर तुम्हारी डीजल गाड़ी कभी कभार ना पंप नहीं आता उसमें स्पीति होनी है टवेरा में यार जब मैं अपने इंटर्न्स लेके गया था तब ये सीन होता था तो टवेरा थी मेरे को जब मैं एक कंपनी के लिए काम करता था मेरे पास इंटर्न्स होते थे हम सिर्फ घूमते रहते थे और काम करते थे वो सबसे बेस्ट तरीका था वैसे एनी ही तो क्या बोला था मैं छोटे तो ने बुला दिया मुझे हाँ तो पंप होता है पंप करो तो वो स्टार्ट हो जाता है एक बार हमारे साथ ले में से जब आ रहे थे वहाँ भी हो गया था स्पीति में नहीं हुआ था बबलू वहाँ हुआ था सरचू में जब मैं कर रहा था फिर मुझे एकदम से दिमाग की बत्ती चली और भाई ये तो वो है स्पीति में भी हुआ था हमारे साथ कुछ नहीं सरचू में नहीं होता सुबह सुबह आ रहे थे स्कॉर्पियो लेके उसमें पंप करनी पड़ी थी फिर मुझे अच्छा सरचू में था सरचू में ब्रिज पे ब्रिज पे छोटे की हमारी मेमोरी बहुत ही गंदी बबलू तुम्हारी तो है ही ना मेमोरी आगे आगे ये क्या लगा रखा है बीच सड़क में ये देखो एनसीबी का बोर्ड है एनसीबी चाहती है बबलू की लोकेशन और क्या कर रहे भाई मतलब बबलू हां हां इज क्लोज नो वो भी खड़ा ही हो रहा है देखो क्लोज है वहां पे अच्छा वहां मिल गए अच्छा वहां दिख गए अभी गाली मारने वाले थे हम नहीं अच्छा थर्सडे ऑफ होता है बट कॉफी मशीन ऑन है मैं भी तो पीता ही हूं चलो ठीक है कॉफी पिला दो चल छटे एक्सट्रीम सो गाइस हमने स्टॉप ले लिया फाइनली छोटा भाई हमारा बढ़िया भगाता रहता है सीधे आ जाता है एकदम एनी ह्यू वैसे ये ना बंद होता है क्लोज लिखा था और अंकल हम जानते हैं कल मेरे को सोलन ने मिले थे तो उन्होंने खोल दिया कहते कि मैं तो खुद ही आधे घंटे पहले आया हूं सो ये थर्सडे को बंद होती है सो गाइस कोई भी आ रहा होगा तो मैं फिर से बताया था थर्सडे को ये जगह बंद होती है थर्सडे क्यों चूज किया ट्यूसडे क्यों नहीं चूज किया थर्सडे थोड़ा स्लो होता है मेरा अच्छा थर्सडे को स्लो होता है सो गाइस थर्सडे को स्लो होता है इसलिए बंद है छोटे So guys, finally, हम छठे भाई की गाड़ी चला रहे हैं। No, you're driving B-wagon. I'm driving B-wagon. The B-wagon. It's a सस्ता version of G-wagon. है ना छठे? It's not सस्ता version. It's more expensive version. क्या मैंने ने? चलो पेट पूजा भी हमने थोड़ी बहुत कर ली, मफिन खा लिया हमने, काफी पी ली. And now we're headed to. यार ये ना ब्लॉग नहीं कर सकते मैनुअल में. बाबू मत करो ना फिर. हाँ, so guys अभी हम रिव्यू देते हैं मैनुअल वर्सेस ऑटोमेटिक. Pros and cons.
सो प्रोज मैनुअल ऑटोमेटिक में ये है कि भैया अपना बढ़िया चलते रहो, हाथ वाथ हिलाने की जरूरत नहीं है, अपना कंफर्टेबली चलते रहो। क्यों हिलाने तेरे को गाड़ी में बैठ के? इस बार जब फंसी थी तो मैंने ऑटोमेटिक में भी निकाल लिया था, मेरे को पता है भैया क्या क्या करना है कि निकल जाए। पहली बार इतना अटक गई थी, और वैसे भी अभी हम टायर्स चेंज करा रहे हैं तो इसके बाद और पापी हो जाएगी। और बस कंफर्ट लेवल की बात होती है यार, पहले मैनुअल और ऑटोमेटिक में ही होता था कि जो ज्यादा वो होते थे वो ऑटोमेटिक लेते थे। लाइक मैंने कभी, हमारी जितनी भी घर में गाड़ियां आई हैं सारी मैनुअल आई हैं, पापा को तो अभी भी ऑटोमेटिक चलानी नहीं आती। तो रीसेंट मतलब इतना पहले नहीं थी, आती थी ना ऑटोमेटिक इधर? नहीं पहले आती थी, बट सबके हायर वर्जन में आती थी। लाइक जैसे होंडा सिटी का टॉप मॉडल होगा तो टॉप मॉडल में ऑटोमेटिक आएंगे। अब नाउ एवरीबॉडी इज प्रेफरिंग ऑटोमेटिक बिकॉज ट्रैफिक होता है, ये होता है, वो होता है। सिटी के लिए इज गुड। हाँ सिटी में भी जब मैं मैनुअल चलाती हूँ मेरा थक जाती हूँ मैं। हाँ, थक जाती जब हाँ। ट्रैफिक होता है ना तो सेकंड गियर से ऊपर जाती खींचो 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 खींचो। ऑटोमेटिक वैसे सिटी ड्राइविंग के लिए बहुत सही है। तो इफ यू आर बाइंग अ कार इन फन तो मजा आता है इसमें। जैसे ले में इस बार हमने मैनुअल चलाई, मजा आ गया था, मजा आ गया था हमें मैनुअल चला। इसलिए तो फिर मेरे को वो आता कि चल अब तार ही लेनी है, मैनुअल लेनी है। हाँ, बट वो ये प्रोज एंड कॉन्स है, अपनी अपनी विश्वास है, अपनी जीत पान पर। बबलू इस पे जाएगा? किसमें? ये देख अप्पू कोलंबस, ये देख अप्पू कोलंबस। बबलू आगे देख यार, मुझे सब दिखता है, मेरी छह आंखें हैं। बबलू दो इधर दो इधर दो इधर, साला बबलू दो इधर दो इधर। ये ट्रैफिक क्यों मिल गया? अच्छा बंद करना, गाने सुनते हैं। ओके गाने 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 टाइम। बबलू इज ओवर गाइस, ये बच्चे भी हाथ हिला रहे थे, हाई कर रहे थे। मैंने कहा हमारे बच्चे तो क्यूट, अच्छे बच्चे हैं ये साले। मस्त। मैंने कहा जब हम छोटे बच्चे होते थे हम ऐसे हाई नहीं लाते थे, हम तो मिडिल फिंगर दिखाते थे। नथिंग टू बी प्राउड ऑफ यार, छोटे हमारे कमीने बच्चे थे यार। मैंने मां स्टूपिड स्टूपिड प्लीज छोटे शट अप। मैं तुम्हें देखो, मैंने अपने टीचरों के साथ स्टोरी सुनाई है? नहीं नहीं, मुझे मैं सुनी है यार। बबलू बढ़िया सुन, हर्ड हर्ड एवरीथिंग यार, बढ़िया स्टोरी सुनाऊंगा ना। हम क्या करते थे टीचरों के साथ? ओह शिट, रुला देते थे तभी। फिर वो हमें रुलाते थी पेरेंट टीचर मीटिंग पे, कहती अच्छा मुझे रुलाओगे तो मैं बताती हूं। चैलेंज ही, हम ये बहुत ट्रैफिक हो गया यहां पे। नहीं छोटे, मैं नीचे कर रहा हूं। पहली बार हम 6th गियर पे डालेंगे, देखो। बढ़िया रोड है गाइस। तो मैंने अभी रियलाइज नहीं किया, मैंने ये वाली आवाज में बात ही नहीं की कब से। छोटा भाई था नहीं हमारे ब्लॉग में कभी, और अभी इतने देर बाद है। बाबा देखना, किसी को लाइन में लगने की आदत है, भैंस क्या वहां से घुस के चला गया। वहां लोग नंगा नाच कर रहे हैं, जबकि लैंड साइड हो गई, लाइन में लगनी नहीं आती। छोटे तू भी निकाल ले मेरे भाई, आगे ले चल सबसे आगे। वो भी डांस कर रहे हैं वहां पे कच्छों में। ये देखना बेवकूफ लोग हैं सारे, पूरा खाली था, आराम से लाइन में लगे थे। ये तीन लाइन बना दी हर जगह से घुस घुस के ना, बेवकूफ लोग होते हैं, अकल ही नहीं है। और वहाँ से ट्रैफिक नहीं आएगा, अब तुम जाओगे कैसे? पूरा जाम कर दिया तुमने, बड़ा गुस्सा आता है, बेवकूफ है सारे। ये सब अनपढ़ है, मेरा इतना गुस्सा आ रहा है, मेरा मन कर रहा है सबके पास जाके ना सबकी शक्लें दिखाऊं, ये अनपढ़ लोग कौन है। इसको जान, ये देख मध्य जाने, हाँ ये देखो अनपढ़, ये देखो ये कौन अनपढ़। मेरे को क्यों देख रहा था ऐसे, मैं तो लाइन में खड़ी हूँ ना। इनको जाने मत दे सालों को, उसे जाओ। पूरी लाइन बन गई भाई, एक और सेकंड लेन बन गया। थ्री लाइंस भाई, थ्री तीन लेन, क्यों वहां का ट्रैफिक कहां से आएगा? उड़ के आएंगे। और जब हम स्टार्टिंग में आए थे कोई भी नहीं था यहां पे, अभी सब घुसे जा रहे हैं। अरे एक लाइन में चुपचाप से खड़े हैं, आराम से सारे निकल जाते, क्या सीन होता है मेरे को समझ नहीं आता ना। ओ मैं तो खून खोल जाता है, मन करता जाके मारूं एक एक को। अब देखिए यही वाली लाइन निकली एज इफ दिस वाज द लाइन। हां वो ट्रक वाला नहीं निकल रहा है, उसको वो फंसा हुआ है, इसलिए सारा लोचा हुआ है। अभी तो ट्रैफिक देख कितना है। हाँ निकल ही नहीं पाएंगे, सब कर लो,
अपनी पार्टी कर लो। ये देखो थर्ड लेन, चल बबलू तू भी थर्ड लेन में घुस जा, थर्ड लेन में ना सब सब एक डूबेगा, तुम सब सब डूबेंगे। थर्ड लेन है ही नहीं, अंदर घुस रहे हैं इस लेन में। तू भी घुसा ना, तो बता बबलू प्लीज। अब आगे बस भी आगे ओते भी किचड़ मार दिया। आई विश इसका शीशा खुला होता। हां अंदर जाता साले के। कैसे जाने दे, ये देखो ये हो गया था कुंडा बंदा बंदे के ऊपर, और यहाँ पे भी लोग आगे होंगे तो हमें यहाँ से निकल पा रहे। चीड़ी लग रहे मेरे भाई, बढ़िया चला के लिया। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं फाइनली मनाली। सो गाइस हमें ना थोड़ा सा चिल विल करना था, मेरे को सुसु आ गई थी, तो हमने कहा अभी घर नहीं जाते ऊपर क्योंकि सामान उठाना पड़ेगा। तो हमने कहा भूख लगी थी सुबह से, हमने कुछ खाया नहीं है। आफ्टरनून में भी रुके थे, हमें लगा था सुकेत कैफे में कुछ खा लेंगे सैंडविच वैंडविच, पर वहाँ खाया नहीं है। और मेरा थोड़ा सा मूड खराब हो गया था कुछ, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारी गॉसिपिंग चल रही है, मैं अवॉइड कर रहा हूँ कि गॉसिप ना हो, है ना। बिकॉज पता क्यों? हाँ सबको एक तो साथ साथ अच्छे से रहना चाहिए। एंड इवन दो हम लोग एक दूसरे के साथ साथ में रहते हैं, इट्स जस्ट द जो बातें होती हैं जो जाती नहीं है और जो डायरेक्टली किसी को बोलते नहीं है, और फिर जो आस पास के लोग जो फॉलोअर जैसे जो करते हैं ना, दैट क्रिएट्स लाइक बैड ब्लड विच इज़ नॉट फेयर, समझ रहे हैं। तो एंड बट फ्रॉम योर साइड आई फील लाइक एज लॉन्ग एज तेरा जो कॉन्शियस है वो क्लियर है, लाइक देयर इज नो एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड। तुम किसी को कुछ भेज रहे होते हो, कुछ किसी को और के उस पे तुम सोचा करो भाई, मेरे नाम के बारे में सोच लिया। नहीं नहीं नहीं, वो तेरे नाम के बारे में आई टेल यू व्हाट हैपेंस। सो अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन पीपल आर ऑन, पीपल फॉलो दीज अकाउंट्स ऑन सोशल मीडिया ना, योर्स माइन एनीवन एल्सेस, पीपल फॉरगेट कि बिहाइंड दीज अकाउंट्स आर एक्चुअल पीपल हु हैव एक्चुअल फीलिंग्स जस्ट लाइक एवरीवन एल्स। ओहो सीधे बाहर में नहीं हूँ बाबू, तो फूड ले ले, मैं बाहर ले लेता हूँ। सम सिंगल माल्ट्स, सम प्रीमियम विस्कीज, सम स्कॉच टाइम्स। बाबू क्या पिएगा, होगार्डन पिएगा? होगार्डन 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 तो है ही नहीं, ये रही होगार्डन 555 पटाखा चाय। चल छोटे चीयर्स, फाइनली फाइनली चीयर्स, छोटे की फेवरेट है गार्डन्स। सो गाइस मुझे अभी फोन आया ओब्रॉय से कि मैं अपना यार वो भूल गया, मेमोरी कार्ड रीडर, धोखेबाजी हो जाती है, दोगलापन। बबलू तेरे पास है तेरा मेमोरी कार्ड रीडर? चलो हम छोटे का छोटे कर लेंगे, मेरे भाई क्यों छोटे बढ़िया कर लेंगे यार, महंगाई का जमाना पड़ गया, क्या बढ़िया बढ़िया बिल आते हैं जैसे 10% भी नहीं, मैं 5 साल पहले देख के शौक हो जाता। क्या सोच रहे नहीं छोटे, छोटे महंगाई का जमाना बढ़ गया मेरे भाई, बट फॉर एवरीवेयर, बट फॉर वी यू, बट टेल यू, बट वी यू। बबलू हमें हमारे गली घर पे थोड़ा सा छोटा सा कैफे भी होना चाहिए, एटलीस्ट दारू का। कमाई पूरी दारू की है, अभी क्या प्लान है? सो गाइस छोटे की हम इस बार हम सिर्फ छोटे की आइटनरी फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि जो मैं बोलता हूं वो नहीं, सेल्फ सेंटर्ड मैं बबलू, यू आर सेल्फ सेंटर्ड, आई एम नॉट सेल्फ सेंटर्ड, यू आर सेल्फ। आज तूने स्टोरी लगाई मेरे साथ एक भी, मुझे बुरा लगता है बबलू, मेरे पास था ही नहीं कुछ, तूने सुबह लिया तो था कि मेरा छठा भाई चिकन। यार हेट नहीं, नॉर्मली बात करो ना, तू भी जस्टिफाई कर सकता है मेरा ब्लॉग है पूरा, नहीं मूड मत खराब कर यार, नॉर्मल मूड चल रहा है छोटे, मतलब मैं चल बंद कर गाने सुन लेता हूं। चल सो गाइस हम रात को एक्सप्लोरेशन करने जा रहे थे, हम छोटे की आइटनरी फॉलो कर रहे हैं। छोटा रात को स्टार गेजिंग लेके जाता है भाई अपने दोस्तों को, मैं कहा भाई मैं भी तो दोस्त हूं छोटे, तेरे मुझे भी घुमा दे। अब भाई वहां बैरिकेड था, इस पे तो कछुए की छाप लेके जा रहा है, उसमें से तेज तो चला भाई, गाड़ी ठुक जाती, फिर का ठुकती बबलू, इतनी बड़ी जगह थी वहां पर, आप वापस नहीं जा सकते आज। क्या बात कर रहे हैं, नहीं कुछ बैरिकेड नहीं, अब हमारी बहुत पहचान होगी। कौन सी पहचान? अभी वहां पे सोना जा रहा है, 10 बज गए और पहली बुलाया तो बरोक जगह थी, हमने पूरा सेटअप भी कर लिया था, बरोक नहीं है, ऐसी कुछ जगह का नाम है बड़ोक लाहौल में। फिर हमने अश्विनी को भी फोन कर लिया, देख पकड़ेंगे तो कह रहा मुझसे बात करा देना, मैं तो डॉन है साले, नहीं मैं बात करके बोलूँ, मैं लाहौल में हूँ, मेरे पास मेरे दोस्त है। अब हमने सारे जुगाड़ कर लिया था, एनी अब हम जा रहे हैं पार्टी करने, यार बंद खत्म ना हो जाए, वहाँ पे बढ़िया पार्टी चल रही थी एकदम, घंटा दूर है, पहुंचेगी थोड़ी उधर। अब तू बढ़िया चला, चल इधर आ जा, मैं चला मैं 15 मिनट बचा देगा, तब से मैं ही चला रहा था, ये साइड में बैठा था, ये कछुए की स्पीड में जा रहा था, मैं उड़ाता वाला आया था, चलो कोई नहीं
ये देखो यहाँ पे 60 है, 60 पे चलो। Where's your team now, Pablo? अच्छा चल ठीक है, कछुआ स्पीड में नहीं है, बबलू और मैं एकदम बढ़िया स्पीड में जाते हैं एकदम गोली की रफ्तार से, हम तेजी की तरफ। नहीं यार छोटे छोटे सोच, गाड़ी कूडा होने वाला है, करंट साइकिल टाइटल मिलेगा। बबलू तेरे क्या लगता है, क्या है सब में दो गाड़ियां खड़ी है पुलिस? तो बिकमिंग सलमान खान, ये क्या हो रहा है? उसी ने बोला हाँ सलमान खान, सलमान खान बबलू ने फुटपाथ पे चढ़ा दी। ये छोटा हमारा बहुत ही तेज है कहीं भी करने के लिए। हाँ हाँ मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ कि तुम हार्ड कोर बबलू हो एकदम। मैंने बोला कि आराम नाम से जाओ, बट फिर भी तुमने निकाल ली ना। काम कोई लड़का होता वो सोचता है शिट चढ़ा दूँ नहीं चढ़ा, थान में तो नहीं वैसे सोचना चाहिए, बट बबलू हमारा ब्रेट बॉय बबलू। व्हाट इज द साइड ऑफ यू दैट ओनली कम्स आउट इन फ्रंट ऑफ यूट्यूब बबलू? व्हाट इज दिस? मैंने क्या किया यार? चलो जितने लोग मेरे से मिलते हैं बताओ मैं ऐसा यूट्यूब पे हूँ और अलग से अलग हूँ कि नहीं। वो देख पीछे से वो कौन क्या हुआ खोलू? देखो सर मेरे को ना वो बना रखा है बॉटल ओपनर, डोंट ट्राई दिस एट होम, दांत टूट जाएंगे। छोटा हाँ ये रहा, दिखाना मैं दिखा देता हूँ। ये देखो मैं आपको अपना आधार कार्ड दिखाता हूँ, ये मेरा नाम है, हमारी जगह है मनाली में। चलो थैंक यू, वापस जा रहे होंगे फिर वो बोलेंगे कहाँ गया तुम्हारा बर्बाद। बोलो वहाँ जगह नहीं मिली, रहने की जगह नहीं मिली इसलिए हम निकल लिए। बाबा गुड डे टू यू। सो देखो गाइस यहाँ पे मैं कहता हूँ कि स्टोरी टेलिंग कितनी अच्छी काम आती है, जुगाड़ बढ़ती कर हम जिंदगी होना चाहिए। सो गाइस ये मैं कहता हूँ लोगों को कि बदमाशी और ये सब शैतानी करने से ना जो दिमाग का ब्रेन होता है ना स्ट्रीट स्मार्ट बन जाता है। छोटे यार दिमाग में ब्रेन होता है छोटे, क्या मत कर रहा है? ये देखो अब हम जा रहे हैं लेह रोहतांगला काजा सिमडो। सो गाइस काजा यहाँ पे जाने के लिए बीच में कुंजुम पास आता है जो अभी बंद होता है, नहीं तो हमारे छोटा भाई यहीं से आ जाता है और हमें बस में यहाँ पे आना पड़ता। क्यों छोटे अटल टनल? भाई भाई की थैली छोटी है। चल रोक दे बबलू इसको, कट कर दे रहा। सो गाइस बहुत ही मस्त ठंड हो रही है, मैं भी अपने बैग से ना अपनी फेवरेट स्वेटशर्ट निकालता हूँ, येलो हुडी। छोटे तुम्हें हुडी चाहिए? ये वाली छोटे के पास हुडी है यार, न्यू हुडी तो दिखा, न्यू पंच करो छोटे का, न्यू पंच भी नहीं कर सकते वैसे। बबलू अबे हुडी का स्पेस कहाँ गया? ये रहा ओहो फेवरेट हुडी आ गई हमारी, जेनिमन जहाँ पर जहाँ किधर, ओ वाह मजा आ गया। अब तू शीशा खोल साले बबलू, मुझे शीशा नहीं खोलने दे रहा था मेरा भाई। चलो अब खोलते हैं फुल स्पीड में शीशा, देखते हैं छठे की ठंड लगती है कि नहीं। जाने के देखे अगला एपिसोड विद छोटा एंड बबलू। क्यों जाने? बोलो कुछ कहना चाहोगे? ये प्लीज छोटे का कलर तुमने देखा बढ़िया लग रहा है एकदम, बढ़िया लग रहा है एकदम शाइन मास्टर। ये लिप्स दिखा, लिप्स लाइक दिस। ये बबलू का मीम मैंने क्लाइंट्स को भी भेजा हुआ है ये वाला ना, कोई कुछ कहता है मैं ये भेज देता हूँ। तो हर चीज सेम मेरे व्हाट्सएप में सारे बबलू के मीम्स हैं, इसी को ही भेजता रहता हूँ। नहीं छोटे मैं तुझे कितना प्रमोट करता हूँ, प्रमोट हाँ मैंने मैं बड़ा छोटा भाई है मेरे साथ चलता है, मुझे मीम्स में भी चलता है। बबलू पिटेगा बाबा बबलू बबलू। मिट्टी वाली बर्फ, ये देखो बर्फ का गोला भाई, 12 फीट का गोला है ये, बढ़िया एकदम पैपी की स्टाइल्स। सो गाइस थोड़ा सा धोखा हो चुका है, 74 किलोमीटर दिखा रहा है, सुई एकदम नीचे होगी हमारी और यहाँ से भी 10 किलोमीटर है और हमें पता नहीं लगा, रियलाइज नहीं हुआ कि पेट्रोल था गाड़ी में और हम तांडी पहुँचे हैं, ये पेट्रोल पंप बंद है, धोखेबाजी हो गई। तो हम सोच कॉन्टम्प्लेट कर रहे हैं कि हम आगे 10 किलोमीटर और बचा है फिर वहाँ से वापस इस 70 किलोमीटर और 74 दिखा रहा है। बबलू हम ले भी ऐसे आए थे याद नहीं? देखो ले में कितना दिखा रहा था जब हम आ रहे थे सोमरी से, ट्राई कर ले क्या बने धक्का लगा लेंगे गाड़ी में सो जाएंगे। लिटरली देयर इज नो पॉइंट गोइंग बैक, अभी अगर वो सिर्फ 20 मिनट दूर है तो कम से कम पार्टी करके फिर फ्यूल खाली करते और वहां पे किसी गाड़ी में से निकाल लूंगा मैं लोगों को, हेलो एक्सक्यूज मी गिव मी सम पेट्रोल ब्रो। घरों में तो पेट्रोल मिलता है सबके लोगों के, इधर भी मिल जाएगा अगर हम ट्रक पे आएंगे, हेलो एक्सक्यूज मी 1 किलो पेट्रोल मिलेगा क्योंकि 1 लीटर मिल जाएगा ले लो, सब मिलता है। अरे वो जगह हिम्मत है खुदा मदद है खुदा। हां चल चल अरे मिल से चल चल बता रहे हम तुम्हें अपडेट रखेंगे कि भाई मामला क्या है। So guys, my favorite song is White Paprika. Copyright na jaye bas. Otherwise, bhai dil se gaega. Chote gaega. Kar de koi lavaz shankaram mehrbaniya. Chote gaega. Yeah.
अच्छे से जाता है हमारा छोटा भाई। छोटा मेरा भाई गाड़ी चला रहा था अच्छा मैंने बताना भूल गया गाइस, थोड़ा सा हमारा कट चुका है। हम जिस रोड पे गए थे वहाँ पे जाकर डेड एंड आ गया। मैंने रोनियन पार्टी को मैसेज कर दिया, मैं कहा पार्टी स्टिल ऑन, कह रहे फुल पावर। मैंने कहा तो डेड एंड आ गया भाई। तो फिर उसने कहा कि नहीं आज के लिए पार्टी खत्म हो गया, कल आ जाना। तो अब लेट्स सी हम कल चलते हैं। बढ़िया वहाँ पे फेस्टिवल चल रहा है कोई लाहौल में, तो तुम्हारे लिए कल पार्टी आएगी बढ़िया, फुल फुल नाइट पार्टी। क्यों छठे रखती है ना, ये तो स्मृति से लेके आया हुआ है अपना छोटा इज वेरी ब्रांड लॉयल। स्पीति के वो बॉटल लेके आता सर, कहीं और की नहीं पीता। आरा चल चल स्पीति हो गया ना छठे, क्या बात कर रहे हैं। काजा की पीता है सर दूध छोटा भाई। बबो यार भूख लगेगी तो क्या खाएंगे यार, इसने घर पे एक मैगी भी नहीं रखी हुई यार। बबलू घर टूटना था भी कुछ क्या बात कर रहे हैं एक मैगी तरफ। ओ यार ये तो गाना लगाया भी है। मेरे को और शुभम को ठंड लग रही है, मम्मी कह रहे तुम्हें ठंड की लग रही है। अभी जब हम वहाँ पे भी गए थे गर्मी लगी रात को नंगा सो गए पागल है। और यहाँ पे आके ठंड लगती ना, वैसे हम बड़े ऑपोजिट है। जब हम नेपाल से नीचे आ रहे थे तब तो बारिश वारिश क्या हुई थी, मुझे बस समोसा याद है वो वाला, हमें समोसा मिला। अरे वो तो सुन, अरे वो तो धन्य हो, अरे वो तो सुन, जब हम नीचे आ रहे थे नामचे बाजार से नीचे आ रहे थे, हाई ऑल्टीट्यूड गया तो अनन्या की एनर्जी गई कि मतलब पता नहीं अब तो हाई ऑल्टीट्यूड हम है नहीं तो अनन्या को एनर्जी नहीं आती। अनन्या पीछे चल रहा है, मैं बैग उठा के चल रही मस्त की मेरे को एनर्जी आ गई वापस। तो अनन्या बोला भाई तो पता नहीं अभी तक तो मरी हुई थी, पता नहीं कहाँ से दिख हो गया, बड़ा पागल है पता नहीं क्या क्या होता तेरे साथ। हाई ऑल्टीट्यूड इज लाइक ड्रग्स। एनी हो गाइस बाबलू थोड़ा मस्ती के मूड में है, हमें अरक के शॉर्ट्स पिला रहा है। आरा अरक कहते हैं इसको, अरक नहीं कहते, आरा नहीं कहते, अरक कहते हैं। कोई नहीं मैंने कहा तब तुम छोटे थे, चल पिला तो सी इसको। तब तुम छोटे नहीं थे बबलू, तब तुम छोटे थे और तुम अभी भी छोटे रह गए हो। तुम छोटे थे तब तुम पैदा नहीं हुए थे। प्रॉब्लम बबलू भूल जाते हैं इसको, स्पीति को लाया था पहली बार। चलो शॉट पिलाओ तुम। बबलू भी भूल जाता है कि स्पीति मेरे को ऑलरेडी पता था, मैं तुम्हें कोइंसिडेंटली तुम्हारे साथ अगर मां कसम बता रहा हूं जिस दिन हम मिले थे ना उस दिन व्लॉग होता ना मजा आता, नहीं मजा आता वो रोमांटिक स्टोरीज थी। चलो शॉट पिलाओ, कंट्रोल उदय कंट्रोल, चला जा जल्दी पिलाना यार ठंड लग रही है हमें। तू तो भाई ओजी है, हम वेट कर रहे हैं, हम पिएंगे, हमें ठंड नहीं आएगी। वेट कर रहा हूं। व्हाट इज दिस? आरा आरा लोकल ड्रिंक। हां हां कैसे लिव वो व्हाट का, इसको लिव 52 की तरह पी ले। पानी है ये ब्रा। यू लिटरली हैव लाइक हाफ अ सिप। ये वाइन वाली है दिस। I don't like wine. मैं उनको बताता हूँ कि क्या है डिफरेंस क्या है। वाइन वाली नहीं है ये, थोड़ी this is not wine. This is मैं तेरे को बताऊँगा। तो जो हाँ ये सबसे सही कह रहे हैं वैसे अरा जो है वो शायद जो तू कह रहा है वही होगा। जो मैं कह रहा हूँ ना अरक जो होता है, अरक इज नीट अल्कोहल जो स्पीति और लाहौल साइड में ये सब बनाते हैं, और जो बार्ले से बनता है बार। हाँ और जो छंग होती है वो बियर टाइप होती है, वो ऐसे पी सकते हो। आरा वहाँ से मिले, आरा या अरक वहाँ से मिले, मनाली से मिले, वो राइस से बनी, बट द रियल आरा एंड अरक फ्रॉम बार्ले यहाँ पे बनाते हैं। बट कोई बनते हुए देख मत लेना, मैंने एक बार देख लिया था मुझे उल्टी आ गई थी। उल्टी भी नहीं, अरे नहीं द थिंग इज सिंस दिस इज मेड इन, और स्पीति में इतना कास्ट सिस्टम है मुझे पता नहीं था। जब मैं ट्रैक पे गया ना, हाँ जब मैं कनामो गया ना तब उसने मुझे बताया कि ऊंचे लोग क्या होते हैं छोटे लोग क्या होते हैं, हमारे सामने नहीं आते ये नहीं। मैंने कहा ये कब से उन्हें लगा इतने छोटे एरिया में भी, छोटे एरिया में बहुत छोटे एरिया में ज्यादा होता है अच्छा, और हमें पता नहीं होता ये उन सब में होता है। छोटे कहाँ गया गाइस, यहाँ से बढ़िया स्टार्स दिख रहे हैं, इसके बाद हम स्टार गेजिंग करेंगे इसको, इसको टिंडर के लिए फोटो चाहिए, इसके बाद बढ़िया फोटो खींच के दूंगा। कट, वेलकम टू अनन्या'स व्लॉग्स वेयर यू हैव नो पर्सनल लाइफ लेफ्ट एनीमोर। चल यार स्टार्स कैसे दिखाऊंगा गाइस, तो मैं स्टार्स नहीं दिखाऊंगा साला, किनार लैंडस्लाइड मेरे ऊपर ही होनी आज। मैं पीछे से दुख 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 हो गया, मेरी फोटो खींच ली थी जान निकली है। मैं कहा पत्थर साला मेरे ऊपर ही आएगा, खाई बजाऊंगा नीचे। फटी कि नहीं फटी? होता था यार छठे भी फट ली भाई। ओ शिट गाइस, अभी हमने बढ़िया स्टार गेजिंग किया, आधा घंटे हम सिर्फ स्टार्स देख रहे थे। मेरे को देखो ऐसे जब देखते रहते ना शूटिंग स्टार देख जाता है, मैंने कहा एक मन्नत तो मांग ही लेते हैं शूटिंग स्टार्स तो हम देख के जाएंगे आज। पर ये पता नहीं गाड़ी जीरो डिस्टेंस की दिखा रही है,
एनीवेज होप सो कि हम घर पहुंच जाए. गुड डे टू अस. बाय बाय.